चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट। तो ये है हमारा नया चैप्टर लाइट। ठीक है, लाइट है क्या? सबसे पहले लाइट को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, कैन वी सी लाइट? क्या हम लाइट देख सकते हैं? नो सर, यस। प्लीज सर, लाइट एग्जैक्टली। नहीं, नो सर, हेल्प करते ताकि हम बाकी चीजें देख पाए। कैन वी सी द पाथ ऑफ लाइट? यस सर, यस यस सर। सर। सुनिए, हम ना लाइट को देख सकते हैं और ना ही लाइट की पावर। तो फिर आप बोलोगे कि एक तो फेनोमेनन आपने पढ़ा था स्कैटरिंग, रेक्टिलिनियर पॉप प्रोपागेशन। पढ़ा था ना स्कैटरिंग वाली, टिंडल इफेक्ट पढ़ी थी ना आपने 9th में। तो सर, अगर हम लाइट की पाथ को नहीं देख सकते तो फिर टिंडल इफेक्ट क्या है? क्वेश्चन आ सकता है ये आपका। तो एक्चुअली देखिए क्या है टिंडल इफेक्ट में, अगर आप ध्यान से सोचो तो वहां पे एक्चुअली हम लोग लाइट को देखते हैं कि लाइट की पाथ में जो पार्टिकल्स होता है उसको देखते हैं। वी आर सीइंग द पार्टिकल्स पार्टिकल्स, वी आर नॉट सीइंग द पाथ ऑफ लाइट। वी कांट सी लाइट, लाइट नहीं देख सकते हम, और ना ही हम लोग लाइट की पाथ को देख सकते। हम लोग सिर्फ क्या देख सकते हैं? द इफेक्ट्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइट। क्या होगा सर, बताओ? अगर हम किसी ऐसे बिल्कुल डार्क कमरे में बैठे हैं और ऊपर से वैसे छोटे से छेद से लाइट आ रही है, तो वो लाइट की पाथ है या फिर पार्टिकल? पाथ में वहां पे पार्टिकल्स दिखता है, आपको लाइट नहीं दिखता। आपको पार्टिकल्स वहां पे जो होते हैं उसके पाथ में, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो वो पार्टिकल्स चमकता हुआ दिखता है। एक सिंपल सी बात, आपने मूवीज तो देखी होगी, ग्रेविटी मूवी देखी आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखी। ओके okay. कोई ऐसी मूवी जिसमें कि स्पेस के बारे में दिखाया गया हो, तो वो तो देखा ही होगा। स्पेस इंटरस्टेलर, का कलर क्या दिखाते हैं उसमें? ब्लैक, स्पेस। ब्लैकिश, मैं एटमॉस्फियर की बात नहीं कर रहा हूं, एटमॉस्फियर स्पेस दिखाते हैं ब्लैक। अच्छा, मून के चारों ओर का स्पेस देखा है? कैसा दिखता? ब्लैक ही देखने। ब्लैक दिखता है, ब्लैक दिखता है ना? देखा है? नहीं देखा तो ध्यान से देखना आप उसके पिक्चर्स को। कोई भी मूवी वगैरह में भी आपको दिखेगा स्पेस हम दिखते हैं ब्लैक। अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, एटमॉस्फेयर छोड़ो, स्पेस को की बात, ब्लैक दिखता है। तो अब एक बात बताओ, सन से तो लाइट वहां पे भी जा रही है, स्पेस में भी जा रही है, लेकिन फिर भी हमें स्पेस ब्लैक दिख रहा है। पार्टिकल सोचिए नहीं है इसका मतलब क्या है कि वहां पे स्पेस ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्या वहां पे लाइट क्योंकि नहीं यहाँ है? पे पार्टिकल नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल पार्टिकल नहीं है। एग्जैक्टली, पार्टिकल नहीं है, इसलिए हमें वहां पे स्पेस कैसा दिख रहा है? ब्लैक दिख। पार्टिकल तो है, पार्टिकल वहां पे नहीं है। अगर लाइट तो है, पार्टिकल नहीं, नहीं। क्योंकि पार्टिकल होगा तभी जा करके वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा या स्कैटर करेगा या जो भी चीज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि लाइट को हम लोग देख नहीं सकते और ना ही लाइट की पाथ को देख सकते। व्हाट वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ लाइट। ओके, तो लाइट की जो डेफिनेशन हमने क्लास 9th में या इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, व्हिच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। बट ये डेफिनेशन बच्चों वाली डेफिनेशन है, 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे ये डेफिनेशन यूज करते हैं। हमारी क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम लाइट के डेफिनेशन की बात करें तो हमारी क्लास में लाइट की डेफिनेशन थोड़ी अलग। ठीक है, चलिए पहले हम वो डेफिनेशन यूज करते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर हम लोग लाइट की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमारी क्लास के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लाइट की वो डेफिनेशन, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट।
ये लाइट की है पुरानी डेफिनेशन, जो मतलब बच्चों वाली डेफिनेशन। तो एक्चुअली लाइट है क्या? अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट में कौन सी नेचर है, इस चीज को समझने के लिए कुछ फेनोमेनन को हम लोग देखते हैं। देखो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिसका कहना है कि लाइट इज अ वेव, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का क्या कहना है कि लाइट इज अ वेव, वेव की तरह, क्योंकि कुछ फेनोमेनन ऐसे हैं, जैसे एक फेनोमेनन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, एक फेनोमेनन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, एक है पोलराइजेशन। अब ये सब जो फेनोमेनन है, ये सब आपने हो सकता है नाम ना सुना हो, मैं आपको इसके इसमें एक के बारे में बताता हूं। देखो जैसे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब की सब चीजें आती है आपके इन क्लास 12। अब ये सब जो फेनोमेनन है, ये सब फेनोमेनन से ये पता चलता है कि लाइट में कौन सा नेचर है, लाइट में है वेव नेचर। लेकिन कई सारे फेनोमेनन ऐसे हैं जिससे हमें ये पता चलता है लाइट में पार्टिकल का नेचर, लाइट बिहेव एज पार्टिकल। जैसे जैसे ये मान लीजिए एक एटम, और ये एटम का है न्यूक्लियस, ठीक है, ये एटम हो गया, इस एटम का हो गया न्यूक्लियस। इस एटम के चारों ओर आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये तो आपको सबको पता है। अगर लाइट इस पे स्ट्राइक होता है इस एटम पे, तो लाइट जब स्ट्राइक होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाते हैं बाहर। कई सारे मेटल ऐसे होते हैं जिस मेटल पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो उस लाइट के इंसिडेंट होने से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इस एटम से बाहर निकल, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कहां पे होता है, सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल्स में अगर देखो तो सोलर पैनल्स में क्या हो रहा है कि सनलाइट आ रही है, और सनलाइट आने के कारण क्या हो रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, है ना, यही चीज होता है सोलर पैनल्स में। तो अब सोलर पैनल्स की अगर बात करें, अगर हम इस एटम की बात करें जो सोलर पैनल में है, अगर यहां की हम बात करें तो यहां पे देखिए तो लाइट के स्ट्राइक होने से, जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा, लाइट के स्ट्राइक होने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इज इलेक्ट्रॉन अ मैटर? यस सर, मैटर है। यस अब इस मैटर को एटम से निकालने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर, दिस मींस दैट कि लाइट इज अप्लाइंग द फोर्स। यस सर, मतलब यही हुआ। अब एक बात करिए, क्या फोर्स बिना मास के पॉसिबल है? नो सर, नहीं है ना, नहीं है। तो अगर फोर्स बिना मास के पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब लाइट इज क्रिएटिंग फोर्स। दिस सिंपली मींस लाइट इज हैविंग मास, और मास है तो लाइट इज मैटर, पार्टिकल, ओ मैटर, है ना। यस सर, समझ में आई बात? यस सर, फिर से बताओ। नो सर, ऑनलाइन तो सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, इसका मतलब लाइट में मास, और मास जहां पे होगा लाइट वो, उसका मतलब वो एक पार्टिकल है। ये जो फेनोमेनन है, इस फेनोमेनन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जिस साइंटिस्ट का नाम था, फिर ये साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन तो किया लेकिन इसकी उन्होंने इसको प्रूव नहीं कर पाया, मतलब ये उन्होंने थियोरेटिकली बता दिया कि ऐसा होता है लेकिन प्रैक्टिकली इसको प्रूव नहीं कर पाया। प्रैक्टिकली इसी चीज को प्रूव किया था किसने? इसको प्रूव किया था आइंस्टाइन, ठीक है, इसी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव किया गया। जब प्रूव किया गया तो यहां पे ये पता चला, इस सारे इफेक्ट से ये पता चल रहा है लाइट में कौन सा नेचर आ रहा है, पार्टिकल नेचर आ रहा है, पार्टिकल, यहाँ पे लाइट में पार्टिकल नेचर आ रहा है। एक चीज और, जब हम लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो लाइट वहां लाइट शो करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शो करता है. मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. स्ट्राइक होने से पहले उसमें जितनी मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, जितनी मोमेंटम पहले है उतनी मोमेंटम बाद में होती. तो ये भी फॉलो कर रहा है. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करने का मतलब ये हुआ, मोमेंटम तो तभी होगा ना जब मास इनटू वेलोसिटी होगी. दिस सिंपली मींस इट इज हैविंग मास, है ना. तो इससे पता ये चल रहा है, इस नेचर से ये पता चल रहा है कि लाइट में पार्टिकल नेचर है, लाइट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये तो पता चला. अब इसके बारे में समझते हैं डिफ्रैक्शन. देखिए एक काम करते, एक ब्लैक कलर की एक ले लेते हैं हम शीट, ब्लैक कलर की शीट हमने एक ली, और इस ब्लैक कलर की शीट में एक हमने छोटा सा होल क्रिएट किया. इस होल के पीछे हमने क्या किया, एक टॉर्च लगा. इस टॉर्च में यहां पे हमने ये ले लिया व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट, ये है ब्लैक पेपर, और इस ब्लैक पेपर में हमने क्रिएट कर दिया है एक छोटा सा होल. ये तो प्रूव हो चुका कि लाइट पार्टिकल है. अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो छोटा सा होल हमने क्रिएट किया है, अगर इसके पीछे ब्लैक पेपर के पीछे अगर हम ये टॉर्च जलाएं, तो थियोरेटिकली ये होना चाहिए कि ये लाइट इधर सामने जानी चाहिए, चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए. Yes. लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली कभी करके देखना घर में, आपको लाइट ऐसे नहीं दिखेगी. इस तरह से दिखेगी कि लाइट यहां से ऐसे जा रही. अब बताइए यहां पे क्या हो रहा है. अगर लाइट पार्टिकल, सिर्फ पार्टिकल होता तो सीधा सीधा जाता, लेकिन ये सीधा सीधा तो जा नहीं रहा. यहां पे क्या दिख रहा है कि लाइट जो है जैसे ही इस होल के थ्रू पास कर रहा है, तो होल की एज से किनारे से जैसे ही टकरा रहा है, तो टकराने के बाद ये पहाड़ की ओर मुड़ जाता है. अब ये मुड़ने का फेनोमेनन पार्टिकल में नहीं, ये तभी हो सकता है, ये फेनोमेनन तभी पॉसिबल है जब लाइट क्या हो, वेव. इसका मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, लाइट में वेव नेचर. ये जो फेनोमेनन है, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन होता क्या है, डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट हार्ड एज. हार्ड एज पे, हार्ड किनारे पे टकराने के बाद लाइट बेंड होता है. अब ये जो फेनोमेनन है, दिस कैन ओनली बी प्रूव्ड व्हेन लाइट विल बी कंसीडर्ड एज वेव, एंड दिस फेनोमेनन कैन ओनली बी प्रूव्ड इफ लाइट विल बी कंसीडर्ड एज पार्टिकल. सर एक डाउट है मुझे भी है. इसका मतलब दोनों नेचर है लाइट में, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव. तो अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि लाइट में दोनों चीजें अगर है, लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. सुनिए, इसको मॉडर्न क्वांटम, इस थियोरी को बोला जाता है मॉडर्न क्वांटम थियोरी, जिसमें कि लाइट को एक्सप्लेन किया गया. तो लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मॉडर्न क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट यूज करते हैं. और वो मॉडर्न क्वांटम थियोरी क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं. यहां तक में जो जो डाउट है कुछ सर, हमने सिर्फ ब्लैक पेपर क्यों लिया? कोई भी ब्लैक पेपर ले सकते हो. ब्लैक पेपर इसलिए लिया क्योंकि ब्लैक पेपर से जो है वो लाइट, बाकी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए.
यहां तक के लिए जैसे आया देखो ना। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो आपको इस पेन की शैडो दिख रही है बोर्ड पे, नहीं दिख रही, चलो बाकी सारी लाइट को ऑफ कर दो, वो दिखेगी। अब देखिए यस शैडो दिख रही है ऑनलाइन वाले बच्चों, सर, यस सर, यस सर। अब देखो पेन वही है, हाथ वही है, शैडो पहले की कंडीशन की शैडो देखो, अब के कंडीशन की शैडो देखो, हल्की पड़ गई क्योंकि हल्की पड़ गई। क्यों हल्की पड़ गई? डिस्टेंस ज्यादा हो यहाँ गई। पे लाइट की बेंडिंग होने लगी ज्यादा, इस कारण से यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर शैडो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नजदीक होने के कारण बेंडिंग कम हो रही है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगी, अब बेंडिंग जो है वो ज्यादा अंदर की ओर होने लगी, इसलिए जो है यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा होने के कारण आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ कैसा क्यों। ये डायग्राम बना लिया ना आप लोगों ने? नहीं, जैसे मान लो कि ये अर्थ की सरफेस और यहां पे है कोई, इस जगह पे है कोई एरोप्लेन, और ये हो गया सन, ठीक है, ये कोई एरोप्लेन है और यहां पे हो गया सन। अब ये जो लाइट आ रही है सन से, एरोप्लेन के किनारे में टकराई इधर और इधर, किनारे में टकराने के बाद ये क्या होगी, इस किनारे पे टकराने के बाद ये अंदर की ओर बेंड हो जाए, ये अंदर की ओर बेंड हो। अब इस एरोप्लेन की जो ये बीच में एरोप्लेन था, इस एरोप्लेन का शैडो बीच में कहीं पे है, अर्थ पे पहुंचा ही नहीं, तो आपको उस एरोप्लेन की शैडो ही नहीं दिखाई, ठीक है। तो कोई भी एरोप्लेन जब सर्टन हाइट पे होता है तो उसकी शैडो अर्थ पे बनती ही नहीं, या उस तरह के बर्ड्स वगैरह जो काफी हाइट पे उड़ते हैं उसकी कभी शैडो अर्थ पे नहीं। लेकिन यही एरोप्लेन जब लैंड कर रहा है तो अर्थ के बिल्कुल पास में है, तो जब अर्थ के पास में है तो अब यहां पे जो लाइट आएगी, अब देखो यहाँ पे बेंडिंग भी होगी तो ज्यादा बेंडिंग नहीं हो पाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे शैडो बन आई जाएगा। डोंट होंगे समझ में आया क्या हुआ? तो यस ये जो सर। बेंडिंग हुई ना एट हार्ड एज, इसी बेंडिंग को हम लोग बोलते क्या है, डिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे इसका डिटेल में अभी है नहीं सिलेबस में, जितनी चीजें मैंने पढ़ा है इसमें से कोई भी चीज डिटेल में नहीं आती, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली चीजें थी, चूंकि लाइट की बात है, लाइट के कॉन्सेप्ट में ये सब चीजें आती है, तो इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बता दी, इसमें से कोई चीज आपके सिलेबस में, तो मॉडर्न मॉडर्न थ्योरी बताओ, अब बता रहा हूं मैं मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, यहां समझ में आया? हाँ अगर हाँ वहां से है। सुन देखो ये तो पता चला लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, लाइट में वेव नेचर भी है, ये तो क्लियर हो गया। अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का मतलब क्या है, देखो लाइट जब तक ट्रैवल करती है, लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो वेव नेचर में, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, लाइट जब तक ट्रैवल कर रही होगी, प्रोपगेट कर रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी, तो वो कौन सी फॉर्म में जाती है, वेव के फॉर्म। लेकिन जब लाइट कहीं पर टकराती है तो वो पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। जिस भी किसी जगह पर टकराएगी तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक होती है, और बाउंस बैक होगी तो वो कौन सी फेनोमेनन शो करेगी, पार्टिकल नेचर शो करेगी। तो लाइट की जो स्टडी है, लाइट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। लिखिए एक सेंटेंस लिखकर, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स, OPTICS, ऑप्टिक्स। उसके नीचे हेडिंग डाले मॉडर्न क्वांटम थियरी ऑफ लाइट,
मॉडर्न क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट। अब ये क्या है सुनिए, ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, लाइट में छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो इसकी पार्टिकल नेचर को शो कर रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं लाइट के, इस एनर्जी पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, इस एनर्जी पैकेट्स को बोला जाता है फोटॉन, व्हिच मूव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट की प्रोपगेशन कौन सी फॉर्म में होती है? वेव के फॉर्म में। तो फिर हम लोग लाइट को एक स्ट्रेट लाइन से क्यों दिखा रहे? देखिए, ये वेव के फॉर्म में है, लाइट मूव कर रही है, लेकिन हम लोग दिखाते हैं लाइट को इस स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो लाइट की बीच वाली जो लाइन होती है, जैसे आपको याद होगा क्लास नाइन्थ में आपने वेव पढ़ा था, याद आ रहा है? बीच वाली लाइन को हम लोग क्या बोल रहे थे? लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। इस लाइन का नाम था लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। क्या ये वाली लाइन इसकी मीडियन वाली लाइन है? बीचो बीच वाली लाइन, मीडियन वाली लाइन है ना। तो लाइट की एक्चुअल मूवमेंट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही फॉर्म में होती है, लेकिन हम लोग जो लाइट को शो करते हैं वो शो करते हैं इस मीडियन वाली लाइन से। मीडियन लाइन शोज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, बट लाइट की एक्चुअल मूवमेंट देखोगे तो वो कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? देखो टर्म पे ध्यान दो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो जहां पे दोनों फील्ड होंगे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।